यूपी में लगातार डेंगू और वायरल के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में अब तक डेंगू के 578 मामले सामने आ चुके हैं। 578 मामले अब तक रिकॉर्ड किए गए और अगस्त और सितंबर में सबसे ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। डेंगू के प्रकोप पर काबू पाने के लिए हर जिले में नोडल अधिकारी की तैनाती और नोडल अधिकारी सीएम कार्यालय को रिपोर्ट भेज रहे हैं। स्थिति को लेकर फिरोजाबाद, मथुरा, जालौन के बाद बलिया में भी डेंगू का असर अब देखने को मिल रहा है। तो ग्राउंड पर स्थिति क्या है इस वक्त, डेंगू और वायरस से कितने लोग पीड़ित हैं, ये बताने के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिरोजाबाद से कृष्णा पोरवाल भी जुड़ चुके हैं। कृष्णा, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी क्योंकि फिरोजाबाद में हाल बेहद बेहाल है। इस वक्त ताजा आंकड़े वहां पर क्या है और जब वहां पर मुख्यमंत्री ने दौरा किया, प्रशासनिक अमले की हमने चुस्ती दुरुस्ती देखी, तो क्या उसके बाद हालात में कोई सुधार है? हालात की बात करें जया, तो अभी भी यहाँ जो 100 सैया हॉस्पिटल है वहाँ 500 से अधिक बच्चे भर्ती हैं और उसके अलावा भी एक अलग हॉस्पिटल यह बनाया गया है, उसमें 65 बेड डाल दिए गए हैं, वहाँ पे भी बच्चे भर्ती किए जा रहे हैं और स्थिति यहाँ ज़्यादा ठीक नहीं है। जिला अधिकारी ने मौतों को लेकर एक 4 सदस्यीय टीम गठित की है कि आखिर ये मौत का कारण क्या है, मौतें कैसे हो रही हैं, इसकी वह टीम जाँच कर रही है। और यहाँ डेंगू की पुष्टि की बात करें तो 294 बच्चों की पुष्टि हुई है जिनमें डेंगू पाया गया है और 600 से ज्यादा संदिग्ध हैं। जी विवेक, अब तक 578 मामले उत्तर प्रदेश से सामने आ चुके हैं। कई जगहों पर तो स्थिति बहुत खराब है, जैसा कि फिरोजाबाद की स्थिति अभी कृष्णा बता रहे थे। इसके बाद हम मथुरा की बात करें, वहां पर भी स्थिति खराब है। लखनऊ में इस वक्त स्टेटस क्या है वायरल और डेंगू को लेकर? देखिए जय, लखनऊ में बीते 4 दिनों में 84 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं और सभी अस्पतालों में डेंगू और वायरल से बचने के इंतज़ाम किए गए हैं। मेडिकल की टीमें तैयार कर दी गई हैं। हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि फिरोजाबाद से फैल के जब डेंगू आया है तो कानपुर, लखनऊ, इसके बाद गोंडा, बहराइच और पूर्वांचल के कई जिलों में फैला है। इसके अलावा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद हैं वहाँ पर भी वायरल बुखार तेज़ी से फैल रहा है, पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि सितंबर महीना ऐसा होता है जब वायरल तेज़ी से फैलता है क्योंकि इस दौरान बारिश खत्म होती है और संक्रामक बीमारियाँ फैलती हैं। जो पानी रुका होता है, गंदगी होती है, बाढ़ का पानी जब उतरता है तब तमाम तरह की इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कहा था कि नोडल अफसर सभी जिलों में तैनात कर दिए जाएं। सारे नोडल अफसर 3 दिन पहले ही जिलों में जाकर सारी तैयारियां परख रहे हैं, सारे इंतजाम परख रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पोस्ट वायरल इफेक्ट, यानी वायरल के बाद जो दिक्कतें आ रही हैं, नज़र का कमज़ोर होना, याददाश्त का कमज़ोर होना, भूख न लगना, इस तरह की बीमारियां सामने आ रही। तो ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, अभी डेंगू का है, वायरल का है और लगातार लखनऊ में भी जिस तरह से 84-85 मरीज कल तक थे आज और बढ़े हैं। अस्पतालों में तमाम इंतजाम किए गए हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कल कहा था कि अगर डेंगू इसी तरह से बढ़ता रहा, वायरल इसी तरह से फैलता रहा तो प्रदेश के स्कूल भी बंद किए जा सकते हैं। बहुत बड़ा उनका फैसला है। अगर इस बीमारी पर रोकथाम नहीं लगी, किसी तरह से अंकुश नहीं लगा, बढ़ते रहे मरीज, तो निश्चित तौर पर स्कूलों पर भी छुट्टी घोषित की जा सकती है। इसके पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि सारे वार्ड जो कोरोना वार्ड बनाए गए थे वहाँ जो बेड हैं उनको डेंगू वार्ड बना दिया जाए, यानी वहाँ पर डेंगू से पीड़ित मरीजों की भर्ती होगी, वहाँ उनका उपचार किया जाएगा। तो प्रशासन तैयार है, स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां कर रखी हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर रखी हैं। जो दवाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से भी पूरे सीएम खुद एक एक पूरे हर जिले की रिपोर्ट ले रहे हैं, लखनऊ में खासकर उनका फोकस है। फिरोजाबाद वो गए थे, उन्होंने वहाँ निरीक्षण किया था, कई लोगों से मुलाकात की थी, कई जो बीमार हैं उनसे बातचीत की थी, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात की थी और डॉक्टर भी थे वहाँ पर, उनको निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह से मौत का आंकड़ा घटाया जाए, चूंकि फिरोजाबाद में बहुत ज्यादा मौत हो चुकी है और अब लखनऊ में भी ऐसी स्थिति आ गई है कि डेंगू तेजी से फैल रहा है। यहाँ पर कई घने इलाके ऐसे हैं जैसे फैजुल्लागंज है, अलीगंज का एक छोटा सा मोहल्ला है, गंदगी वहाँ बहुत रहती है, तो वहाँ पर विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। डीएम अभिषेक प्रकाश ने पिछले दिनों वहाँ पर दौरा भी किया था और मेडिकल की टीम के साथ जाके, नगर निगम की टीम के साथ जाके वहाँ सफाई कराने के निर्देश दिए थे, चूंकि जल भराव बिल्कुल होना होगा साफ सफाई को लेकर।
पानी दूषित पीने की वजह से भी ये बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है, जिस पर मुख्यमंत्री ने लगातार लोगों को जागरूक करने का भी काम किया है। तो ऐसे में ये स्थितियां जल्द से जल्द कंट्रोल हो, यही प्रदेश के लिए बेहतर भी होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और अब खबर जालौन से है, जहां जालौन में भी डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। डेंगू से यहां एक युवक की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति है। स्वास्थ्य विभाग इस घटना के बाद से अलर्ट मोड पर है। मृतक के घर के आसपास स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जागरूकता अभियान भी चलाया। घरों के कूलर और नालियों में एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया गया। जिलाधिकारी ने डेंगू मलेरिया और अन्य बुखारों की पहचान के लिए जिले में 7 से 16 सितंबर तक डोर टू डोर सर्वे कराने का भी निर्देश दिया है। तो जालौन में भी एक व्यक्ति की मौत हो गई है। एक युवक की मौत के बाद अब स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे करके मरीजों की पहचान की जा रही है, लोगों से पूछा जा रहा है, साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है।